हेलो गाइस, मेरा नाम है इंजमाम और आप देख रहे हैं इंजमाम किचन में इंजमाम एडिट। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि तौकीर भाई का स्नेक एडिट आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन ओपन करनी है। ओपन करने के बाद अपना बैकग्राउंड को ले लेना, सिलेक्ट कर लेना। ये देखिए, हमने अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद आप अपने मॉडल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लीजिए, कर लिया। मेरे पास ये बैकग्राउंड की कटिंग पहले से हुई हुई है। अगर आपको नहीं आता हो तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा बैकग्राउंड इरेज करने का, आप जाकर देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। एंड सिंपली प्लस का आइकन पर क्लिक करके एंड ऐड फोटो में क्लिक करके ये स्नेक का पीएनजी ले लेंगे और इसे सिंपली एडजस्ट कर लेंगे। सिंपली इसे एडजस्ट करने के बाद इरेज का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे हाथ पे जो आ गया इसे इरेज हम कर लेते हैं, साइज को हल्की सी कम करके। सिंपली इसे डन कर लेंगे। डन करने के बाद आगे नेट फोटो में जाएंगे एंड ये लाइट और ये ब्लर वाले स्नेक का पीएनजी कुछ इस तरीके से लगा लेंगे एंड इस लाइट पीएनजी को ब्लेंड टू स्क्रीन करेंगे एंड हमारा बैकग्राउंड वाइट रहने की वजह से अपने मॉडल पे भी कुछ लाइट मारना जरूरी है, वरना ऐसे कुछ फेक लगेगा। इसे रियलिस्टिक करने के लिए लाइट पीएनजी मारना मॉडल पे बहुत ज़रूरी है। सो मैं जल्दी जल्दी लाइट पीएनजी इसे डुप्लीकेट करके जहाँ आप चाहिए वहाँ आप लगा लूँगा। सिंपली इसे डन कर दूँगा। डन करने के बाद अगेन हेड फोटो में आना है। हेड फोटो में आने के बाद ये स्पार्कल का पेन दे देना है एंड इसे भी ब्लेंड टू स्क्रीन कर लेना, अपने पूरे फुल करके इसे भी ब्लेंड टू स्क्रीन कर लेना एंड डन कर देना। डन करने के बाद एक लास्ट स्टेप टूल्स पे जाना है एंड ब्राइटनेस पे जाना है, एडजस्ट पे जाना है एंड ब्राइटनेस को लगभग 15% रख देना इसमें साइन इफेक्ट देने के लिए एंड इरेज के ऑप्शन पे जाना एंड इन्वर्ट कर देना। इन्वर्ट करने के बाद इरेज का ऑप्शन लेना, ब्रश का ऑप्शन लेना। ब्रश का ऑप्शन लेने के बाद साइज को लगभग 18% एंड ओपेसिटी एंड हार्डनेस 40% रख के आपको जहाँ जहाँ सेंड चाहिए वहाँ पर सिंपली इस ब्रश को चला देना, जैसे कि मैं चला रहा हूँ। इसे डन कर लेना, मैंने इसे 15% रख के डन करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके ड्रॉप ऑप्शन पर आना है एंड थ्री डॉट पर जाकर सेव इमेज पे कर क्लिक कर देना। अब हम चलते हैं अपने लेटरूम। सिंपली आपको प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, आपको सिंपली सेलेक्ट करके हेड पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको उसी फोटो को सिलेक्ट करना एंड
लाइट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सपोजर को लगभग -10% करना है एंड हाईलाइट को -20% एंड शैडो को इंक्रीज करना है -20 +23 एंड ब्लैक को लगभग -30% कर देना एंड मिक्स के टूल पे आना है एंड फर्स्ट वाले को नीचे छाड़ करना है एंड सेकंड वाले को सेचुरेशन लगभग -15 कर देना एंड हरा के सेचुरेशन हरे कलर का सेचुरेशन माइनस एंड इससे भी पूरा -100 और इससे भी -100 ये तीनों का -100 कर देना सेचुरेशन एंड डन कर देना। सिंपली आपको इस पे आना है एंड क्लैरिटी हल्की सी इंक्रीज कर लेनी है लगभग 90-20 एंड विसनेट -50 एंड ग्रे अमाउंट लगभग 9 या 10 लगे आपको इस पे आना को लगभग शार्प को लगभग 75 लगभग रख देना एंड नॉइज रिडक्शन को लगभग 20% बढ़ा देना एंड सिलेक्टिव पे आना एंड सिंपली से नीचे से सिलेक्ट करना एंड लाइट पे आना है एंड एक्सपोजर को कम कर देना एंड यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद आना है यहाँ पर इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में आने के बाद स्प्लिट टोन पे आना है एंड ये नीचे वाले को इसको ये जो दिख रही है ना इसे सरका के लाना नीचे एंड ब्लू पे लाने के बाद हल्की सी ऊपर करना है लगभग सिचुएशन 23 और ह्यू 247 एंड इसे यहाँ से डन कर देना। अगेन सिलेक्टिव टूल में आना है एंड इसे सिंपली इस प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये राउंड वाले सर्किल लेना है एंड इसे सर्किल कुछ इस तरीके से बना देनी एंड लाइट के लिए ऑप्शन पे आना है एंड इसकी कंट्रास्ट लगभग 40% रख के यहाँ से डन कर देनी है। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितनी अच्छी बनी है, लुक आ गई है हमारी फोटो में एंड इस फोटो को सिंपली यहाँ पर से सेव करना। सेव करने से पहले इस पे ये ऑप्टिक्स आपको दिख रही होगी इस पे जाना है एंड इसे ऑन कर देना। इससे क्या होती है कि फोटो क्वालिटी सेव करने में नहीं फटती एंड शेयर पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लीजिए। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।